जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए दो बड़ी खबर लेकर आया हूं। एक खबर यह है कि पहलवान सुशील कुमार यादव, जो कि हमारे देश के लिए ओलंपिक मेडल भी जीत चुके हैं, उसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उनके ऊपर एक हत्या का मुकदमा चल रहा है, जिसकी वजह से वो काफी दिनों से फरार चल रहे थे। सुशील कुमार यादव और उनके कुछ दोस्तों पर हत्या का मामला दर्ज है। सुशील कुमार यादव एक हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। काफी दिनों से पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी, जिसके लिए सुशील कुमार यादव के ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। उसके साथ ही उसके दोस्त अजय के ऊपर भी 50,000 का इनाम रखा गया था, जिसे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि पहलवान सुशील कुमार और उसके दोस्त कार छोड़कर स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। वो लगातार अपने रिश्तेदारों के संपर्क में भी थे। पूरी खबर क्या है दोस्तों? पूरी खबर ये है कि सुशील कुमार पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की हत्या का आरोप है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन के बाद भी पहलवान सुशील कुमार, लॉरेंस बिश्नोई और काला जखेड़ी गैंग के बदमाशों के साथ स्टेडियम में दाखिल हुए, जहां एक रेसलरों के दूसरे पक्ष से मारपीट हुई, जिसमें एक रेसलर सागर राणा की मौत हो गई। सुशील कुमार को पकड़ने के लिए कई दिनों से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, और आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार और उसके दोस्त अजय को गिरफ्तार कर लिया। सुशील कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी थी, जिसकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि यूपी में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। यूपी में जंगल राज अपना पैर पसारता जा रहा है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां पर एक ग्राम प्रधान इशाक अपनी बीवी सकीना के साथ बाइक पर जा रहे थे। इतने में अपराधियों ने उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोली लगने के बाद जब इशाक जमीन पर गिर गए और अपनी जान बचाने के लिए फिर से भागने लगे, तो अपराधियों ने उसका पीछा किया। करीब 200 मीटर तक वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन अपराधी भी उनके पीछे भागते हैं और उसको तब तक गोली मारते रहते हैं जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। गोलियों की आवाज सुनने के बाद जब घटनास्थल पर लोग दौड़ पड़े, तब उतने में अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। अपराधियों की लगातार गोलीबारी की वजह से ग्राम प्रधान इशाक की तो मौत हो गई, उसके साथ में उसकी बीवी सकीना को भी गोली लगी है। ग्राम प्रधान की बीवी सकीना, जिसने पूरे मामले को अपनी आंखों से देखा, उसने पुलिस के सामने पूरा बयान दर्ज कराया है। आपको बता दें कि बरेली के नव निर्वाचित प्रधान इशाक हाल ही में चुनाव लड़कर जीते थे। चुनाव के दौरान वो अकेले मुस्लिम कैंडिडेट थे जो जीत कर आए थे, लेकिन आप लोगों को पता है ना कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम की तरक्की से जलते हैं। जब मुस्लिम को देखते हैं आगे बढ़ते हुए, तो उनको एक अलग तरह की जलन होती है। इसी का शिकार ग्राम प्रधान इशाक हो गया, जिसको अपराधियों ने, जो चुनाव में उसके साथ हारे थे, उन्होंने अपना बदला लेने के लिए इशाक की हत्या कर दी। पुलिस ने इशाक से हारने वाले एक अपराधी को पकड़ लिया है और पूर्व प्रधान को भी गिरफ्तार कर लिया है, और बाकी अपराधियों की तलाश पुलिस कर रही है। अब देखना यह है कि पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ पाती है या नहीं पकड़ पाती है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों का कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।